नमस्कार मित्रों, आज हम हमारी लक्ष्मी गिर गौशाला की यूट्यूब चैनल में BAPS स्वामीनारायण मंदिर की जो गुणातीत गौशाला का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको बहुत ही पुरानी ब्लड लाइन, बहुत ही अच्छी मिल्किंग वाली जो गाय और बुल हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप बुल देख रहे हो वो गोपाल बुल है, और आज जो ये गाय में यूज हो रहा है ये दूसरा बुल है। ये जो भुवनेश्वरी पीठ का जो बहुत ही पुराना बुल है, आप ये गौशाला देख सकते हो। ये सभी जो शेड बनाया हुआ है और सभी का नाम जो अलग अलग नाम से जो दिया गया है, जो ब्रह्मा है, अक्षर है, अलग अलग नाम से गौ माता या है। और इनमें जो बहुत ही पुराना जो राजदीप नाम का जो बुल था, उन्हीं की भी जो बछिया भी और गाय भी इनमें शामिल है। आप देख सकते हो जो राजदीप जैसा बुल आज तक मैंने नहीं देखा है, जो उनकी लंबाई ऊंचाई बहुत ही अच्छी थी। और उनकी जो बेटियां है आप इनमें देख सकते हो, उनमें भी बहुत ही अच्छी लंबाई ऊंचाई जो लंबी गाय दिख रही है, वो सभी जो राजदीप की बछिया है। और बीच में जो भुवनेश्वरी पीठ का जो आज वो भी बुल यूज हो रहा है। ये इनकी जो छोटी बछिया है, बछड़ा है, बछड़ी है, सभी ये दूसरा शेड की जो गाय गौ माता है, जो उनमें भी एक जो अलग बुल रखा गया है जो पूरा काबरा है। और जो इनकी बेटी दूसरे शेड में इसीलिए रखी जाती है कि जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इनकी माँ और उनकी बेटी अलग रखनी पड़ती है, इनके लिए ज़्यादा बुल रखना पड़ता है। वो अलग अलग बुल की अलग अलग बछिया है। आप उनकी स्टेमिना देख सकते हो कि वो ये भी बहुत ही पुरानी जो ब्लड लाइन है। ये जो भूतवड़ फार्म की जो गाय है, इनमें भी जो एक अलग बुल रखा गया है। सभी शेड में जो अलग अलग बुल है आप देख सकते हो। ये जो तैयार हो रहा है वही बुल है जो पिछले जनरेशन में यूज करने के लिए वो अभी अलग तैयार हो रहे हैं। ये भी सभी बछड़े की माता का दूध भी बहुत ही अच्छा है। आप देखो इसमें भी एक अलग बुल रखा गया है। सभी शेड में अलग अलग बुल है। ये भी बुल बहुत ही बढ़िया है। इनमें भी जो ये लंबा कांड वाली जो बछिया देख रहे हो वो भी राजदीप की है। जो ये सभी बछिया
2 साल 1.5 साल के आसपास की जो अलग की जाती है, जो दूध छोड़ने के बाद जो, वो वही इनका शेड अलग है। आई भी से सुख हुआ। ये सभी मिल्किंग वाली गाय है और ये जो भूतवड़ की बहुत ही पुरानी जो नस्ल है, आप देख सकते हो इनका सींग, इनका बॉडी टक्चर और इनके जो पिछले पैर में जो थप्पा लगा हुआ है, वो एक टैग लगाया हुआ है कि जो उनकी लगभग 40 साल की जो पेडिग्री आपको भूतवड़ में से मिल जाएगी। आप इनका सींग, माथा और उनका बॉडी टक्चर देखते हो, ये भूतवड़ की ब्लड लाइन। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गो माता, जय गोपाल भारत।